हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और इस टाइम समय हो रहा है 11:15 बजे। हम आज का स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी था, तो इसलिए इतनी लेट व्लॉग शुरू हो रहा है। और अभी मैं लगवा के आई हूँ वैक्सीन की बूस्टर डोज। पता नहीं इस बार फीवर आएगा कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। तो कल परसों वाले व्लॉग में आपको पता लग ही जाएगा अगर बुखार आएगा। तब तक मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर का मौसम कुछ ऐसा सा है, और डस्टबिन जो आप सामने देख रहे थे कल बन रहा था, वो आज पूरा बन गया। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। तो धूप, अच्छी वाली धूप हो रखी है। हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी, बट ठीक है। सो अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और मम्मी ने यहाँ पे छोंकी है कढ़ी, चावल। लो, ये इंस्टेंट कढ़ी है। अब जो है मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ी, तो चलो मेरे साथ पकौड़ी बनाते हैं। तो क्योंकि हम 4 ही लोग हैं, तो हम बनाएंगे बिल्कुल थोड़ी सी पकौड़ी। तो उसके लिए मैं ले लेती हूँ 5 चम्मच बेसन ले। और बेसन के ये सब चाइस हमेशा ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड, 4 चम्मच बेसन तो कम पड़ गया था, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा और डाल दिया। दिख रहा है, थोड़ा सा और डाल के तो इसको फेंटना पड़ता है पकौड़ी बनाने के लिए। मैं इसको फेंट के मिलती हूँ। अब मुझे इसको फेंटते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं, और अब ये बिल्कुल पकौड़ी बनने के लिए तैयार है। अभी तेल गर्म हो रहा है, जब तेल गर्म होगा फिर इसकी पकौड़ी बनाएंगे, ठीक है। सो गाइस, पकौड़ी के लिए तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पकौड़ी। या मेरे से ना गोल पकौड़ी तो बनती नहीं। चलो, जैसी बन रही है वैसी बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, जैसे आप सोचते होंगे मुझे खाना बनाना आता है कि नहीं, तब मुझे थोड़ा बहुत आ ही जाता, ज़्यादा भी नहीं आता पर थोड़ा बहुत। दूसरी तरफ बन रही है कड़ी। सो गाइस, अब जो है पकौड़ियों का रंग जो है बदल गया। तो अब एक काम करेंगे, इन्हें ज़्यादा जलाएंगे नहीं, इन्हें अब इसमें से निकाल देंगे। एक सेकेंड गाइस, कहीं निकाल लेती हूँ फ्री। तो अब पकौड़ियों का एक बैच तो बन गया है, अब लास्ट वाला बैच डाल देते हैं। छोटी छोटी अजीब बेढंगी सी पकौड़ियाँ। गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि कुछ दिखाती तो है नहीं, बस खाना ही बनाती रहेंगी और तो कुछ दिखाती नहीं है। तो मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या दिखाऊं, तो कमेंट्स आए भी थे कि आप मतलब वन कलर फूड चैलेंज करो। पर वन कलर फूड चैलेंज ऐसे चलेगा नहीं ना, क्योंकि मुझे स्कूल भी तो जाना होता है ना गाइस। तो ये है हमारी पकौड़ियाँ, और इस तरफ हमारी कढ़ी भी पूरे उबाल ले रही है। देखो गाइस, ठीक लग रही है। इधर जो बन चुकी है वो है। सो
तो गाइस फाइनली लंच हो गया और कढ़ी काफ़ी यम यम बनी थी और हमने कढ़ी खा ली और अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। अब मैं जा रही हूँ सोने। सो गाइज नाउ इट्स अ चाय टाइम एंड यू नो वॉट, पहाड़ी खाने वाने के बिना तो जी लेगा पर मेरे जैसा पहाड़ी ना चाय के बिना नहीं जी सकता। तो ये एक तरफ हो रहा है दूध गर्म और ये मेरी चाय भी पूरे उबाल ले रही है और अब जो है मैं थोड़ी देर में चाय के पकने के बाद चाय पीऊँगी। होप आप भी शाम को चाय पीते होंगे, अगर हाँ तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो ये है मेरी चाय और बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है, मैं आपको जाली में से दिखाती हूँ। तो चाय वाय तो हो चुकी है और अब थोड़ी देर बाद होगी डिनर की तैयारी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ऑब्वियसली बताना आप क्या क्या वीडियोस में देखना चाहते हो और मेरा लुक कैसा होता है उठने के बाद। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।